पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। टैक्सी यूनियन महासंघ ने निजी फिटनेस सेंटर पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। महासंघ के कुमाऊं मंडल सचिव नवल किशोर ने कहा है कि निजी फिटनेस सेंटर चालकों का उत्पीड़न कर रहा है। परिवहन विभाग द्वारा फिट किए गए वाहनों में भी तमाम खामियां निकाली जा रही हैं। फिटनेस सेंटर में तमाम दलाल सक्रिय हैं। फिटनेस के दौरान वाहन चालकों को चेकिंग के दौरान अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और जबरन तमाम खामियां निकाली जा रही हैं। फिटनेस के लिए कोई मानक भी तय नहीं किए गए हैं। महासंघ सचिव ने कहा है कि इस मनमानी के खिलाफ कल शनिवार को पूरे कुमाऊं मंडल में टैक्सियों का संचालन बंद किया गया है। टैक्सियों का संचालन बंद होने से कुमाऊं भर में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस बंद का समर्थन किया, इसलिए कल पिथौरागढ़ से हल्द्वानी और पिथौरागढ़ से टनकपुर मार्ग में भी टैक्सियों का संचालन बंद रहेगा। पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। इस दौरान देश की आजादी में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों को नमन किया गया, साथ ही मिष्ठान वितरित किया गया। आज यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया गया है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 26 जनवरी से हमारे पिथौरागढ़ जनपद में हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा सरकार ने की थी। आज उसी खुशी में हम सभी लोग यहाँ पर मिष्ठान वितरण कर रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं और हमारा ये शहर शायद आने वाले समय में हवाई जहाज की सेवा ले सकेगा। इसलिए आज इसी के साथ मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। चंपावत जनपद के पुलिस क्षेत्र अधिकारी विपिन चंद्र पंत को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। जिले के अपर उप निरीक्षक त्रिलोक सिंह को सराहनीय सेवा के लिए डीजीपी ने सम्मान चिन्ह प्रदान किया। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने दोनों पुलिस अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। मुंशियारी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह पाना की अगुवाई में जिलाधिकारी से मुलाकात की। क्षेत्रवासियों ने मतकोट फाफा सड़क से मलबा हटाए जाने, जोरडूंगा सड़क पर नाली निर्माण और डामरीकरण कराए जाने, उच्चैती केंद्र में पशुधन प्रसार अधिकारी की तैनाती करने की मांग की। जिलाधिकारी ने इन मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। आईटीबीपी की सातवीं वाहिनी में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। सेनानी परमिंद्र सिंह ने झंडारोहण किया। शहीद स्मारक में माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सराहनीय कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। सेनानी परमिंद्र सिंह ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोता है। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर जीत सिंह ज्वाला ने ध्वजारोहण कर किया। प्राचार्य भुवन चंद्र जोशी ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षक कृपा शंकर ने छात्रों को संविधान निर्माण की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किए गए। शिक्षक अशोक ओझा ने संविधान की राह पर चलने का आह्वान करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन हेमंती नितवाल, जीवन कुमार एवं मनोज कुराल ने किया। वहां नवोदय विद्यालय मरसोली भाट में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रदीप मिश्रा ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। प्राचार्य प्रदीप मिश्रा ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अभिभावकों के साथ ही तमाम स्थानीय व्यक्ति भी शामिल रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी,
अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।